फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो आज की अनबॉक्सिंग बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जिनकी अनबॉक्सिंग आज हम आगे देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये हमारा अगला प्रोडक्ट और इसे भी ओपन करते हैं। तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, ये है वो बॉक्स। तो ये प्रोडक्ट जो है बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है, और ये मुझे काफ़ी सस्ता मिला है मीशो से ही। तो जैसा कि ये बॉक्स पे कुछ टॉय जैसा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटो। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। इस पे लिखा है मिनी लैम्प एलईडी एनिमल कैमरा पेंसिल कटिंग पिन बैरल। तो ये भी यूएसबी चार्जिंग का लिखा है इन्होंने, देखते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है एक चार्जिंग केबल जो माइक्रो यूएसबी है, और ये है हमारा प्रोडक्ट। तो ये है वो प्रोडक्ट, काफी क्यूट सा है, और इसकी क्वालिटी की बात करें तो थोड़ा गंदा लग रहा है, ने यूज़ किया है ऐसा लग रहा है मुझे, बट दिखने में काफ़ी अच्छा है टेबल पे ऐसे रख के। और ये जो लैंप है ये फ्लेक्सिबल है, तो जैसा आपको चाहिए आप अपने एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे रखना है। तो ये कुछ हिलने वाला इन्होंने कार्टून सा बनाया है जो शेक करेगा, स्प्रिंग लगी है, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पे होल्डर्स है, तो जैसे आप अपने सामान यहाँ पे रख सकते हैं, जो भी आपका पेन वैन वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और पीछे बटन है, तो ये इस तरीके की लाइट देता है, आप देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी तो नहीं है लाइट की, लेकिन ठीक है, अगर रात में आपको कुछ पढ़ाई वढ़ाई करनी है तो आप ऐसे रख के पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा। अगर उनका कोई स्टडी टेबल है तो आप वहाँ पे रख सकते हैं, और ये लाइट जो है उनकी मदद करेगा रात में। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं जैसा कि मैं कर रहा हूँ, देख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा है। और यहाँ पे एक पेंसिल शार्पनर जैसा दिया है इन्होंने, जैसा मेंशन किया है, तो यहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हैं पेंसिल शार्पनर को, और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट रख सकते हैं। सो ऐसे इसके अंदर आप डाल के पेंसिल को अगर घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसे काम करेगा, और ये शार्पनर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और आवाज़ भी कर रहा है। तो इसे आप जब निकालेंगे तो ये कचरा जो है अंदर से निकल जाएगा, ये क्लीन हो जाएगा, फिर वापस इसको ऐसे बंद कर दीजिए तो ये फिट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कचरा बाहर निकल गया। ये आप शार्पनर यूज़ कर सकते हैं, पेंस और जो भी है आप रख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी आप मीशो, मैंने मीशो से लिया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी लाइट की सीरीज चल रही है, तो हमने ऑलरेडी 3 प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, तो ये हमारा आखिरी प्रोडक्ट है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। सो इसके अंदर मिलता है आपको एक कार्ड जिस पर लिखा है गिव 5-स्टार रेटिंग एंड रिव्यू गिफ्ट वाउचर 1000 रुपीज़ वैल्यू चांस टू विन ₹100 to 1000 सक्सेसफुली बाय गिविंग 5-स्टार रेटिंग। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को 5-स्टार रेटिंग देंगे और इसे इन्हें व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे तो ये आपको शायद ये कुछ मिल जाए। तो लेट्स सी, इसे ओपन करते हैं। इसके बाद ये प्रोडक्ट बाहर आ गया है, काफ़ी छोटा सा है। जब मैंने इसे ऑर्डर किया था और इसकी फ़ोटो देखी थी तो मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा था, बट ये बहुत ही छोटा है। तो इस पर लिखा है 3D क्रिएटिव विजुअलाइजेशन लैम्प विजुअल लैम्प क्रिएटिव होल न्यू जनरेशन ऑफ 3D सेगमेंट थीमिंग लैम्प। तो अगेन ये मेड इन चाइना ही है, जैसा कि आप जानते हैं ये मैंने मीशो से परचेस किया है। तो मीशो पे मतलब प्रोडक्ट्स तो मेड इन चाइना ही मिलते हैं। तो ये है कुछ
इसका डिज़ाइन सही। इस बॉक्स के अंदर आपको पहले तो मिलता है एक वुडन का छोटा सा, एंड इसके अंदर है एक हैवी सा बॉल जो कि काफ़ी हैवी है, मुझे फील हो रहा है ये कुछ नहीं तो 1 किलो 1.5 किलो हो सकता है। अगर आप किसी को फेंक के मारेंगे तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं एमरजेंसी में। ये कुछ ऐसे इस पे जाने वाला है, और ये जो केबल है, मेरे ख्याल से ये चार्जेबल नहीं है, तो आपको इसे डायरेक्ट कनेक्ट करके ही यूज़ करना है, चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है। तो ये केबल काफ़ी लंबी है, मैंने जितने भी अभी तक प्रोडक्ट अनबॉक्स किए आप देख सकते हैं ये काफ़ी लंबा केबल है। तो ये बॉक्स आपका जाएगा यहाँ पर, और ये बॉल जो है वो आप यहाँ पर प्लेस करेंगे, फिर हम इसे ऑन करेंगे। तो ये है पावर बैंक, हम इसमें कनेक्ट करते हैं। तो ये चालू हो गया है, और यहाँ पे मुझे जो जिस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ उस डायरेक्शन से चीज़ें अलग दिख रही हैं। अब एग्जैक्टली क्या दिख रहा है वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा डिज़ाइन है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे डिज़ाइन थे। तो ऐसा लग रहा है कुछ गैलेक्सी टाइप है, अगर मैं इसे निकाल दूँ तो ये ब्लैंक दिखेगा आपको, नीचे बस एक लाइटें हैं जो इसे रखने पे तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट पूरा ग्लास का है, और इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स क्या है कि कुछ गिमिकी टाइप होते हैं, जैसे इन्होंने लिखा है 3D काइंड ऑफ आपको दिखेगा, तो वो सारी चीज़ें, बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैटर्न ले रहे हैं। जैसे उसमें अर्थ का पैटर्न था, और भी 2-3 पैटर्न्स है, मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगा। तो ये प्रोडक्ट जो है 3D काइंड ऑफ इफेक्ट देता है, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ तो जैसे लाइटें भी चेंज हो रही है, मतलब डिम हो जा रही है, और कहीं पर ये ब्राइट हो जा रही है। तो जैसा आपको लग रहा होगा कि अंदर कोई एक प्लैनेट बिठा दिया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है ये एक तरह से। दूर से देखने पे ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ तो है अंदर, वैसे डिफरेंट पैटर्न्स के आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो ऑलरेडी मीशो पे अवेलेबल है, तो आप सिलेक्ट करके उन्हें ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने ये काइंड ऑफ एक प्लैनेट जैसा ऑर्डर किया है, जो अंदर आपको दिख रहा होगा, और बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा है कि कोई तो प्लैनेट अंदर बैठा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है ये, मीशो पे अवेलेबल है, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके के अलग अलग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।